1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने घेराव कर दिया। जयराम महतो के अगुवाई में सोमवार को आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन कर विधायकों और सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास किया। इस दौरान जयराम महतो ने कहा कि जब हमारी भाषा, हमारा रहन सहन और यहाँ तक कि हमारे नाच गाने तक अलग हैं, तो हमारी पहचान अलग क्यों नहीं होनी चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने ही विस्थापन का दंश झेला है। कौड़ी के भाव हमारी जमीन ले गए हैं, इसलिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी दल या नेता से नहीं बल्कि सरकार से है, क्योंकि सवाल और डिमांड सत्ता से ही किए जाते हैं। आज चारों तरफ से धार खा जाती है, कोई बोलने वाला नहीं, सब डरे हुए हैं कि कहीं अंग्रेजों को धारा ना लग जाए, सब सहमे हुए हैं कि कहीं तो किसी ना करना पड़े। अरे अगर यही घर, यही भाई नेताजी बोस ने किया होता, यही घर भगत सिंह ने किया होता, यही घर बिरसा मुंडा निर्मल ने किया होता, अलग भारत और अलग झारखंड हमारा ही होता। और साथ ही मैं प्रशासन की टीम से अनुरोध करूंगा, भले हम लोग खेतों में हैं, लेकिन आंदोलन खेतों में खत्म नहीं होगा। आप किसान बताइए हम लोग जाना कहाँ है। यहाँ किसी को भड़काने नहीं आए हैं, सब मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसी लाठी चलाइए कि दो चार लोगों को सीधा होंगे और खत्म हो जाना चाहिए, ताकि या तो आंदोलन मुक्त होगा या आंदोलन खत्म होगा। हमारे मरने के बाद यदि दम होगा मेरे दोस्तों में, तो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।